अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्रार अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्रार अहमद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहने भी कर दें जो बैठे हुए, ठीक है, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप लोग फायदा उठा सको, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आपको दी जाती है। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इन्फॉर्मेशन के बारे में ही होगी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि एडमिशन प्रोसेस के अंदर में क्या होता है, एडमिशन इंटेक किस दिन में आता है आपका, उसके अलावा आपका जेडब्ल्यू कितने दिन में आता है और उसके अलावा सारा प्रोसेस क्या होता है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एम्बेसी जाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको किस तरह प्रिपेयर करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं, क्या क्या सीन होता है। सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है, आपने सबसे पहले अपना जो पासपोर्ट होगा ना उसको जिस भी पेटी शेटी में छुपा के रखा हुआ ना उसको वहां से निकाल लेना बाहर, उसको आपने साइड रख लेना। उसके अलावा आपका जो मैट्रिक की सनद होगी जिसको हम सर्टिफिकेट भी कहते हैं उसको आपने साइड रख लेना है। उसके साथ आपने जो एफएससी का रिजल्ट कार्ड होगा जिसको ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है उसको आपने रख लेना है साइड पे। मैट्रिक की सनद और एफएससी का जो ट्रांसक्रिप्ट होगा इसको लेके आप लोगों ने जाना है अपने किसी भी बोर्ड में, जैसे लाइक मैं भागलपुर बोर्ड में हूँ तो मैं वहां से इसको लेके जाऊंगा, अगर आप गुजरांवाला बोर्ड में है, आप फैसलाबाद बोर्ड में, आप मुल्तान बोर्ड में, तो आपने उस बोर्ड के ऑफिस में जाना है, वहां से जाके आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको जो है वो अपनी डिग्री को वेरीफाई कराना है, ठीक है। उसका प्रश्न ये होता है कि आपने डायरेक्ट जो आपका बोर्ड होगा उसके ऑफिस में जाना है, उनको जाके कहना है कि सर ये मेरी डिग्री है इसको वेरिफिकेशन कर दें। उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन कर दी, वेरिफिकेशन करने के बाद वो जो आपकी डिग्री होगी ना उसको वो लोग एक इनवेलप के अंदर रखेंगे, ठीक है। उस इनवेलप से आपने अपनी डिग्री को बाहर नहीं निकालना, जैसे वो सील पैक्ड होंगे आपने उनको वैसे ही रख लेना है और उसको लेकर चुपचाप आपने घर आ जाना है। अगर आप वहां पे नहीं जा सकते तो आप टीसीएस के थ्रू भी अपनी जो डिग्री है उनकी वेरिफिकेशन करवा सकते हो, नंबर दो। इसके अलावा आप घर आके अपना जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा ना आपने उसको ढूंढ लेना है, जो कि आपने अप्लाई करते हुए बना के रखा हुआ था उसको साइड कर लेना है। उसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट अपने वालिद साहब की यूज करोगे क्योंकि अगला आपको चाहिए थी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो या तो अपने वालिद साहब यूज कर सकते हैं, अगर वालिद साहब की यूज नहीं करनी तो बैंक स्टेटमेंट आप अपने भाई की यूज कर सकते हैं, मदर की यूज कर सकते हैं या अपने खुद की यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी खुद की यूज करोगे तो फिर आपको एफिडेविट या एफआरसी का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट अपने वालिद साहब की या अपने किसी भी ब्रांड रिलेशन की यूज करते हैं तो फिर आपको एफआरसी चाहिए होगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक एफिडेविट जिसके ऊपर तहरीर होगी कि मैं अपने बेटे को, अपने भाई को या अपनी सिस्टर को जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी फीस वगैरह मैं पे करूंगा। वो तहरीर आपको किसी भी एजेंट से मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। ये आपके हो गए 6 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कर लेने हैं प्रीपेड। इसके अलावा आपने क्या रखना है, आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, आपका जेडब्ल्यू 202 लेटर, और इसके अलावा आपको चाहिएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एनओसी लेटर, जो कि अक्सर एम्बेसी वाले डिमांड कर लेते हैं। एज ए सिक्योरिटी, एज ए सेफ्टी आपने वो डॉक्यूमेंट अपनी यूनिवर्सिटी से लेके जाना है, क्योंकि बाद बात ऐसा होता है कि एम्बेसी वाले हैं वो हैं तो पाकिस्तानी किसी मोड में बैठे होते हैं, कभी कह देते हैं कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, कभी कह देते हैं ये वाला डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये आपके टोटल बन जाते हैं 9 डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, मैट्रिक का सनद, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, पुलिस के सर्टिफिकेट, एफआरसी, एफिडेविट, उसके बाद एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी का, जेडब्ल्यू 202 और एनओसी आपको जाता है, ठीक है। ये आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कर लेने हैं पूरे, बार बार इनको आपने काउंटिंग करनी है ताकि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट रह ना जाए, ठीक है। ये आपके होंगे 9 डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपका जो पासपोर्ट होगा ना आपने अपने पासपोर्ट का जो है वो फ्रंट पेज, पहले 5-6 पेज जो आपने हर हाल में अपने पासपोर्ट के कॉपी करके लेके जाने हैं वैसे। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट में कोई भी वीजा लगा हुआ है या कोई भी एंट्री या एग्जिट की स्टंप आपके पूरे पासपोर्ट में कहीं भी लगी हुई है, आपने वो सारे पेज की भी फोटोकॉपी करवा लेनी है, ये आपका बनता है 10वां डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेज हो गया। पहले 5 पेज आप लाजमी करवा लो कॉपी। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट में कोई वीजा लगा हुआ है या कोई एंट्री या एग्जिट की स्टंप लगी किसी भी पेज पे तो आपने उस पेज की भी फोटोकॉपी कलर प्रिंट में करवा लेनी है। इसके अलावा आपका जो आईडी कार्ड होगा और आपके वालिद साहब का आईडी कार्ड होगा उसकी भी आपने अपने साथ कॉपी लेके जानी है 4x4 पेज पे, यानी कि फ्रंट साइड आईडी कार्ड और बैक साइड आईडी कार्ड, वो दोनों एक पेज पे आ जाती है, 4x4 उसको कहा जाता है। ये आपके होंगे टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपने एक व्हाइट बैकग्राउंड में अपनी फोटो साथ लेकर जानी है, वो एम्बेसी वाले मांगते हैं, अगर आपकी फोटो भी ना होना तो आप वापस भेज देते हैं।
ये आपके टोटल बनते हैं 12-13 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने घर पे पहले प्रिपेयर कर लेना, जब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आपने क्या काम करना, बैंक स्टेटमेंट की बारी आएगी। बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी बनाई है, अपने वाले साहब की जिसकी भी बनाई वो एक अलग बात है। अब मसला ये आ जाता है कि हमें बैंक स्टेटमेंट बनवानी कितने की है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आई थिंक अगर आप पढ़ते हैं, सपोज अगर आप न्यू स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर की, तो आपने आगे 6 साल पढ़ना चाहने के अंदर आपका 6 साल का 202 आता है, तो हर साल के हिसाब से आपका बन जाता है वो 7-8 लाख पर ईयर, 7 लाख पाकिस्तान रुपीज एक साल का। अगर आप 6 साल आ रहे हो न्यू स्टूडेंट, आप 6 साल नहीं चाहना आ रहे हो, तो आपको तकरीबन 42-45 लाख की बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। अगर आप सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जाना आ रही हो, माइग्रेशन वाले स्टूडेंट हो, तो फिर आपने उस हिसाब से कर लेना, पर ईयर के हिसाब से आपको 7 लाख पीकेआर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। यानी कि आप 3 साल के लिए आ रहे हो तो 24 लाख की आप बना लो, 21 लाख की आप बना लो। अगर आप 4 साल के लिए आ रहे हो तो आप 32 लाख की बना लो, 5 साल के लिए आ रहे हो तो 40 लाख की बना लो, 6 साल के लिए चाइना आप आ रहे हो तो आप 48 लाख अपनी बैंक स्टेटमेंट बना लो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने, इसके बाद आपने क्या करना है, इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है, या आपने जाना है कराची के अंदर IBCC के ऑफिस, ठीक है। वहां पर जाके आपने जो अपने मुतल्लिका बोर्ड से इनवेलप लिया था आपके डिग्री वाला, वो आपने ले जाना है, उनको जाके वो इनवेलप देना है कि इसकी अटेस्टेशन करनी है। उसका क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस ये है कि जब मैं जाना आया था तब तो ये सीन था कि आपको कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लेनी पड़ती थी, IBCC के डायरेक्ट आप जाते थे, टोकन लेते थे, अपने डॉक्यूमेंट देते थे उनको, और वो आपके अटेस्टेशन करके आपको एक दिन में वापस कर देते थे। अब ये बस उन्होंने कर दिया कि आपको IBCC ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो आप ऑनलाइन IBCC की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर ऑनलाइन जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट लो, और जिस डेट की आपकी अपॉइंटमेंट हो उस डेट पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराओ उनको, और उनको अटेस्टेशन कराओ। उसके बाद अगला प्रोसेस आ जाता है, वही आ जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिसको मुफा कहते हैं, वहां से आपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जो एक ब्रांच है कराची में है, लाहौर में है और इस्लामाबाद में है, वहां पर BSC होता है, आपने टोकन लेके लाइन में लगना है, वहां पे आपने अपना क्या करवाना है। अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास है आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है, FRC की करानी है, एफिडेविट की करानी है, पुलिस के सर्टिफिकेट की करानी है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, FSC का रिजल्ट कार्ड, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसे हैं जिनकी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाके अटेस्टेशन करवानी है। इस अटेस्टेशन करवाने के वो एक दिन का प्रोसेस होता है, सुबह आप जाओगे शाम को आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिल जाएंगे। इस अटेस्टेशन के बाद आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, अब मैं चाइना वैसे जाके वीजा अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है चाइना एम्बेसी के, इस्लामाबाद वाले भी आप चले जाओ, लाहौर वाले भी चले जाओ, या कराची वाले भी चले जाओ, जहां पे आपका दिल करता है वहां पे चले जाओ, वहां पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे मांगेंगे एक फॉर्म में, वो आपने सारी फिल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जो जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगी आपने फिल करते जाना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, और जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है उस डेट पे आपने कराची, लाहौर या इस्लामाबाद जहां की आप अपॉइंटमेंट लेते हो वहां पर जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, और विद इन 4-5 डेज, मुझे 4 दिन में वीजा मिल गया था तो इंशाल्लाह आपको भी 4 दिन में मिल जाएगा, 4 दिन में वीजा मिल जाता है, ये होता है टोटल प्रोसेस। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है ना कि आप मुझे 20,000 दे दो मैं आपका जी अपॉइंटमेंट ले देता हूँ चाइना एम्बेसी की, चाइना ऑफिस की, तो सर आप उसके मतलब बिल्कुल नहीं लगना, क्योंकि वो एजेंट्स होते हैं। बेहतर ये है कि आपने जिस एजेंट से अपना काम करवाया एडमिशन का, आप उससे बोलो कि भाई मेरा आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, अपॉइंटमेंट ले दो मुझे डेली ऑफिस से चाइना एम्बेसी की, तो आप उससे अपना काम करो, वो आपको फ्री कर देगा, क्योंकि उसने सारा आपका प्रोसेस किया होगा तो आपको फ्री कर देगा। लेकिन आप किसी न्यू पर्सन के पास जाते हो, कहते हो कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई करना है चाइना एम्बेसी के लिए, अपॉइंटमेंट लेनी है तो मेरी अपॉइंटमेंट करवा दो, तो आपसे 20-25 हज़ार चार्जेस लेता है। तो इस चीज से आप लोगों ने बचना है, किसी न्यू बनने के पास नहीं जाना, जिस वजह से आप अपना सारा प्रोसेस करवा रहे हो उसको बोलो कि भाई मेरी इस सिलसिले में हेल्प कर दो, मैंने चाइना एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो जो भी बंदा आपको होगा इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप उसके स्टूडेंट हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। अगर कोई स्टूडेंट मेरे थ्रू आ रहा है तो फिर मैं उसकी इस सिलसिले में पूरी हेल्प करता हूँ कि भाई आपने ये ऐसे अपॉइंटमेंट लेनी है, इनफैक्ट मैं उसको अपॉइंटमेंट ले ही देता हूँ, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने वो काम उसको करके देना है। इस तरह आपका जो एजेंट होगा आपने उससे जाके अपॉइंटमेंट लेनी है। और दूसरी चीज मैं आपको फाइनल ये बता दूं कि एम्बेसी जाते हैं आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। 12 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले ही बनवाए थे,
उसके अलावा आप जो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चाइना मैच के आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म के जितने भी पेजेस आपने उन सबकी फोटो कॉपी करवा लेनी है। उसके अलावा एक आपको और लेटर मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर, एक पेज आपको वो भी मिलता है, उसकी भी आपने जाके कॉपी करवा लेनी है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो जेरिफिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो सबसे पहले गेट पे आपसे वो पूछे आपके अपॉइंटमेंट यहाँ पे है आज की डेट की। अगर आपके अपॉइंटमेंट उस डेट की हो तो आपको इंटर होने देते हैं, वरना आपको वो इंटर नहीं होने देते। तो आपने ये सारे पेज जो है वो कॉपी करवा के ले जाने, प्रिंट करवा के ले जाने हैं, और गेट पे आपके कारण मेरी आज की डेट की अपॉइंटमेंट है तो आपको अंदर जाने देंगे। बाकी ये मैसेज के अंदर कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू कुछ भी नहीं होता, सिंपली आपने मैसेज के अंदर जाना है। खैर जिन दिनों मैं चाइना आया था ना 2019 में, उन दिनों काफी ज्यादा ये मसला था, और चाइनीज होते थे वो इंटरव्यू लेने वाले, उनकी हमें समझ भी नहीं आती थी वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, तो काफी मसला बनता था। इनके जब मैं वैसे गया था पहली मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए थे, दूसरी बार तो मैं गया था तब मेरे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे, वो ट्रेजिडी मेरे साथ बन गई थी। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, उसको मेरी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि चाइनीज की इंग्लिश थोड़ी सी बहुत अच्छी होती है उनकी, तो मुझे उसकी समझ नहीं आई थी उसने क्या कहा। तो फिर नेक्स्ट डे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे मेरे हो गए थे। अभी सिस्टम आ गया कि आपने सिंपली जारी ऑफिस के अंदर जाना है, वहां पे सारे पाकिस्तानी होते हैं, जिस काउंटर पे आपका टोकन लगता है ना उस काउंटर पे आपने जाके जो है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। बड़े ही हम्बल अंदाज से आपने खड़े रहना है, कोई आपने चलाकी नहीं करनी वहां पे, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सिंपली डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं और उसने जो भी चीज आपसे पूछनी है ना आपने वो चीज उसको बतानी है। इसके अलावा आपने अपने यूनिवर्सिटी का जो कॉन्टेक्ट कार्ड होगा, यानी यूनिवर्सिटी की मेल और यूनिवर्सिटी का फोन नंबर, ये दो चीजें आपने एक अलग पेज पे प्रिंट आउट करवा के अपने साथ ले जानी है, ताकि अम्बेसडर जब आपकी यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करें कि ये जी अबरार अहमद आपका स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी को बता दें हाँ भाई ये मेरा स्टूडेंट है आप इसको वीजा जारी कर दो, ये काम आपने लाजमी करना है। और जिस दिन आप अम्बेसी जाए अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आप अपने एजेंट को बता के जाए मैं फलां डेट को जारी फीस आ रहा हूँ। अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में आ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के साथ इन कॉन्टेक्ट हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को बता के जाओ भाई मैं फलां डेट को वीजा करवाने जा रहा हूँ। अगर जेआरएफसी से कोई कॉल वगैरह आती है तो आप इनको कंफर्मेशन कर देने की भाई मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, क्योंकि जब तक आपकी यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन नहीं करती तब तक आपको वीजा नहीं मिलता नहीं मिलता नहीं मिलता। ये ट्रेजेडी अभी रिसेंटली हमारी क्लास फेलो हैं उनके साथ हुई है, उन्होंने सारी यूनिवर्सिटी कन्फर्म नहीं किया था या क्या सिस्टम बना था, लेकिन उनको वीजा नहीं मिला था वो रिजेक्ट हो गए थे। ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटी को बगैर इन्फॉर्म किए अम्बेसी चले जाते हैं वीजा पाने के लिए, क्योंकि अम्बेसी ने तभी आपको वीजा देना जब आपकी यूनिवर्सिटी इनको कन्फर्मेशन देने की हाँ भाई बाकी हमारा स्टूडेंट है। वो दौर चला गया जब बगैर कन्फर्मेशन के भी आपको वीजा मिल जाता था। जेली ऑफिस में आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट करवा दिए उनको सबमिट, उसके बाद तो वहां पे दूसरा प्रोसेस आ जाता है, वहां पे आपने करवाने होते हैं अपने पैसे जमा। आई थिंक 12,000 या 12,500 बनते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 12 या 13,000 के राउंड अबाउट इतने पैसे बनते हैं, ठीक है। वहां पे जाके आपने एक काउंटर पे अपने पैसे जमा कराने, पैसे जमा कराने के बाद जो है वो आपको कॉल करेंगे या आपका नेम अनाउंस होगा कि जी फलां फलां स्टूडेंट अबरार अहमद है वो आके इंटरव्यू दे दे। एक साथ ही कमरा होता है जहां पे आप पैसे जमा करते हैं, उसके साथ ही कमरा होता है वहां पे आपको बुलाते हैं, वहां पे आपसे पूछते हैं कि जी आप एमबीबीएस करने जा रहे हो, हाँ जी मैं एमबीबीएस करने जा रहा हूँ, जी आप वहां पे किसी इलीगल एक्टिविटीज में हिस्सा तो नहीं लोगे, नहीं लोगे, आप कोई सोशल एक्टिविटीज तो नहीं करोगे, नहीं करूंगा जी। इस तरह के 2-4 सवाल उसने पूछते हैं जो नॉर्मल से होते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं आप फाइनेंशियली आपको कौन स्कोर करेगा, तो इस तरह की 2-4 चीजें होती है वो आपसे पूछते हैं। ये आपका टोटल इंटरव्यू होता है जिसको पता नहीं हवा अपना के क्या पेश कर दिया जाता है। इवन कि आप अमेरिका भी जाते हो ना वहां पे भी अम्बेसी में आपका जो इंटरव्यू होता है वो 2 मिनट का होता है, और हम अक्सर सुनते हैं कि नहीं जी चाइना अमेरिका अम्बेसी का जी आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, भाई आधे घंटे कहीं भी नहीं होता। उन्होंने आपको कोई अम्बेसी वालों ने खुद नौकरी पे नहीं रखना जो आपका इतना लंबा इंटरव्यू लेंगे। अमेरिका वाले भी 2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, चाइना वाले भी 2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, इससे ज्यादा आपका इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि एक लाइन के अंदर 500 बच्चा लगा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने आके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, उनके पास इतना टाइम होता है कि आपके ऊपर वो आधा घंटा लगा दें 10 मिनट लगा दें। उनकी कोशिश होती है कि 1 मिनट के अंदर आपको फारिग करें, अगला स्टूडेंट आए उसकी बारी आए, बस ये इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है चाइना मैसे के बारे में। अब जिस मर्जी मैसे में चलो इतनी ही डिटेल वो मांगते हैं, इससे ज्यादा डिटेल नहीं मांगते। सबसे जो खास चीज है आपने कोई भी अपना फेक डॉक्यूमेंट साथ लेके नहीं जाना है,
कोई भी चीज आपने फेक नहीं लेके जानी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने इसको बताना भाई ये मेरी चीज ओरिजिनल है। जेल भी हो आपका एडमिशन लेटर हो, अगर मैसी अलाउ करती है कि आप ओरिजिनल ना लेके आओ तो आप कॉपी लेके जा सकते हो, लेकिन खैर मुझे नहीं पता आजकल की क्या रूल्स है मैसी के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आई है कि नहीं। पहले तो खैर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं डिमांड करते थे, आजकल क्या सीन है ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप अपने रिलेटेड एजेंट से पूछ लीजिएगा वो आपको क्या कहते हैं। कहिए कि टोटल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन चाइना में वीजा लगाने के बारे में, अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह फिर गाइड कर दूंगा। और अगर मुझे लगा कि मुझे मजीद इसी टॉपिक पे एक और वीडियो बनानी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं दोबारा इसी टॉपिक पे एक मजीद वीडियो बनाऊंगा। मुझे अब इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, लाइक सामान वो आपने पैक करना चाहना आने के लिए तो कौन कौन से सामान है वो आपने साथ लेकर आना जाना है, कौन कौन सा आना पाकिस्तान फेंक के आना है नहीं साथ लेके आना, ये सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में गाइड करूंगा। मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट रहिएगा, यूट्यूब के थ्रू मेरी वीडियो देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको चाइना आने से पहले पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो मुझे नहीं थी चाइना आने से पहले, क्योंकि मैं भी यू हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी इतना जरिए लो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।